सो यस गाइस, गुड इवनिंग। सो यूट्यूब में एक बार देख लेते हैं अभी लाइव, उसके बाद हम शुरू करेंगे। यस आई गेस वी आर। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल अगेन टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। यस, कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ? मोनिका, राज। मोनिका, आपको लेक्चर वन देखना चाहिए हमेशा, किसी भी चैप्टर का उसके बिना लेक्चर टू में नहीं जाना चाहिए। हे राज, 0.1134, ईशा, अंशु, कोमल, जैमिन, क्षितिज, मोनिका, भव्या, आरती एंड समीर, संजना, राहुल अग्रवाल, प्रतीक जाधव, हर्ष, वायर क्रिएटर, जयेश, क्षितिज एंड तरन्नुम, अंशु, साक्षी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग। समीपता, मोहन, आरू एंड कोमल, वेरी गुड इवनिंग सभी को। हम लोगों ने एक नया चैप्टर चालू किया सर, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, और ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का आखिरी चैप्टर। क्या ये चैप्टर पढ़ने से पहले कोई और चैप्टर पढ़ा हुआ होना जरूरी है? द आंसर इज नो, इट इज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट चैप्टर, सो एनीबडी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है जी? यस। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर टू इंडेक्स नंबर्स में पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर टू में आज हम लोगों को सर मेन प्रैक्टिकल पार्ट करना है। कल जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोग जो हैं वेबसाइट्स में जाके इंडेक्स नंबर्स को देख कर आइएगा कि CPI जो है वो कौन सी वेबसाइट में दिखता है, WPI कौन सी वेबसाइट में दिखता है, उसके बारे में थोड़ा देख के आइएगा। थोड़ा समय अगर आपके पास बचा होगा तो शायद आप लोग जो हैं देख कर आए होंगे, है ना जी? चलिए, सो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी देखा है तो जब भी समय मिले तब उसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है? आज हम लोग मेनली जो है फोकस करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, जहाँ पर आपके साथ में नए नए फॉर्मूलेस डिस्कस करूंगा, और उन फॉर्मूलेस को डिस्कस करने के बाद हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी आज ही करेंगे। ठीक है दोस्त? चलिए गुड। तो इस वीडियो के लिंक को जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को बुला लीजिए, टेल एवरीवन कि यस सर शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी? चलो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करता हूं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। सो माय नेम इज प्रणव, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे योर एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स सी इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। दिस इज माई टाइम टेबल, बहुत ध्यान से देख लीजिए। मॉर्निंग 8 AM अन अकेडमी प्लस में आप ही के अटेम्प्ट के लिए एक टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास पर। सेट रिलेशन फंक्शन आज खत्म हो गया, कल उसकी क्विज होने वाली है। और यूट्यूब पर हम लोगों ने इंडेक्स नंबर शुरू किया यस्टरडे, तो आज उसका दूसरा लेक्चर शुरू हो गया दोस्तों। गुड। एक मिनट रुकना भाई, गर्मी लगने लगी थोड़ी। सो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि जो भी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं सबकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस लिंक में डाल दी है, bit.ly वाली लिंक में। और जो भी नए टॉपिक्स में बताऊंगा उसको आपको लाइव ज्वाइन करना है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी फ्री क्लासेस में करवा चुका हूँ। और जो राइट साइड में टेबल दिख रही है, जो ये पूरी शीट दिख रही है, ये प्लस बैच के अंदर जो मैंने बड़े बड़े टॉपिक्स करवा दिए वो है, ठीक है? सबसे खास बात सर आज की वो ये है कि मेगा एक्सटेंशन ऑफर। मतलब अभी तक क्या होता था, जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आता था ना डिस्काउंट ऑफर, तो या तो डिस्काउंट ऑफर आता था या तो एक्सटेंशन वाला ऑफर आता था कि 6 महीने की वैलिडिटी। पहली बार ऐसा हुआ है कि सर वैलिडिटी और डिस्काउंट दोनों साथ में ऑफर क्लब हो गए। तो अभी आपको 12 या उससे ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन में 6 महीने का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिल रहा है और 20% डिस्काउंट भी वैलिड है, दोनों चीजें। यस, तो किस बात का इंतजार है, 20% डिस्काउंट लगाइए सीए प्रणव कोड लगा के। कल हमारा होने वाला है सर क्विज ऑन सेट रिलेशन फंक्शन, तो उसके लिए तैयार रहिए भाई। क्विज ऑन सेट रिलेशन फंक्शन July 29 शाम 5 बजे, ये सिर्फ स्पेशल क्लास में होगा। तो जो बच्चा इसको एनरोल करेगा वही ज्वाइन कर पाएगा, वरना लोग भूल जाएंगे। यूट्यूब वाला आता है तो लोगों को पता चल जाता है, तो भाई टेलीग्राम पे इसकी लिंक शेयर करूंगा, जरूर से एनरोल कर देना विदाउट फेल, ओके? चलिए तो शुरू करें। कैन वी स्टार्ट नाउ एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो एक बार सारे बच्चे फटाफट थम्स अप कर दीजिए ऑन द लाइव चैट, एवरीवन ऑन द यूट्यूब एंड द स्पेशल क्लास। आर यू गाइस रेडी? हाउ इज द जोश? जल्दी बताएंगे। यस, चलिए सर शुरू करते हैं। ओके रिपोर्ट शुरू किया जाए। लेट्स बिगिन। ओके,
तो इंडेक्स नंबर के बारे में डेफिनेशन एक्सेट्रा तो तुमने बहुत अच्छे से देख ली। मैंने तुम्हारे सामने सबसे पहले दो बेसिक मेथड दिखाई थी, उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। पहली मेथड थी तुम्हारी सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या करते थे, आलू हो, चीज़ हो, एग हो, सबके प्राइजेस को सिंपली जोड़ दिया और एग्रीगेट प्राइस को कंपेयर करके इंडेक्स नंबर बना दिया। ये बहुत ही बेकार मेथड थी। क्यों? क्योंकि सर इसमें इतनी प्रॉब्लम थी कि पूछो मत। जैसे कि आपने जिस तरीके से प्राइस का कोटेशन दिखाया, वो आपका ऑटोमेटिकली छुपा हुआ वेट बन गया। फिर अगर आप प्राइस का कोटेशन चेंज करते थे, 100 ग्राम की जगह 500 ग्राम का रेट लिख रहे हो, तो इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है। तो भाई किस चीज़ को कैसे शो किया जा रहा है, उससे इंडेक्स नंबर की वैल्यू बदल रही। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको सर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और हम लोग दूसरी मेथड में गए, और उस मेथड का नाम था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अभी रिलेटिव का मतलब क्या है? क्या रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार है? नहीं सर, रिलेटिव का मतलब प्राइजेस को डायरेक्टली लिखने की बजाय, प्राइजेस को पहले रिलेटिव में कन्वर्ट करना और फिर लिखना। इससे फायदा ये हो रहा था कि क्योंकि तुम्हारे जो रिलेटिव हैं वो यूनिटलेस होते थे, तो तुम उनको ऐड करो लेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस मेथड में छोटा सा डिफेक्ट बच जाता, और वो डिफेक्ट ये है कि ये कोई वेटेज का यूज नहीं करता। ये चीज को भी उतनी इज्जत देता है, एग को भी उतनी इज्जत देता है, और ये पोटैटो को भी उतनी इज्जत देता है। मतलब इट गिव्स द सेम इंपॉर्टेंस टू एवरी कमोडिटी, इट गिव्स द सेम इंपॉर्टेंस टू एवरी कमोडिटी। यस सर, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, तो इस चक्कर में सर ये मेथड में हमको लगा कि थोड़ा और कुछ करने की जरूरत है, और फिर हमने लास्ट में ये वाली लाइन पढ़ी थी जो कि मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूं कि ये जो सेकंड वाली मेथड का छोटा सा डिफेक्ट है उसको भी सही किया जा सकता है। कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट वेटिंग सिस्टम, वेइंग सिस्टम। सो एप्रोप्रिएट वेइंग सिस्टम लाके इस चीज को भी सुधारा जा सकता है। तो चलिए आज उस चीज का सुधारा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर ये रहा आपके सामने। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा देता हूं। देखो भाई, मान लो देर आर टू कमोडिटीज, या फिर हाँ मान लेते हैं दो कमोडिटी, कमोडिटी ए कमोडिटी पी। पहले मैं लिखता हूं इसका 2016 का प्राइस। तो मान लो 2016 में तुम जो कमोडिटी ए है वो खरीदते थे 20 रुपए में, और तुम्हारे यहाँ इसका जितना उपयोग था ना, उस हिसाब से तुमको एक महीने में मान लो इसकी 60 क्वांटिटी खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, तो ठीक है सर, हो गया, नो प्रॉब्लम। और कमोडिटी बी तुम खरीदते थे कितने का, लेट से 30 का, और इसकी तुम्हारे पास 50 क्वांटिटी की जरूरत पड़ती थी। अब आ चुका है करंट ईयर 2022। करंट ईयर में कमोडिटी ये 20 रुपए से 25 रुपए का हो गया, और जो क्वांटिटी कंजम्पशन है तुम्हारा वो 60 से 55 पहुंच गया। वही अगर मैं कमोडिटी बी की बात करूं तो कमोडिटी बी हमारा सस्ता हो गया 28, और उसका कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी हम उसकी 50 यूनिट यूज किया करते थे और आज भी हम उसकी 50 यूनिट ही यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? ठीक है सर, तो मैंने बोला देखो भाई 25 वाला प्राइस, 20 वाला प्राइस 25 रुपए का हो गया और 30 वाला 28 का हो गया। तो सिंपल एवरेज मेथड से करते तो इन दोनों को जोड़ देते और इन दोनों को जोड़ देते, बेकार मेथड। प्राइस रिलेटिव से करते तो दोनों ही कमोडिटी को बराबर इज्जत मिल जाती, लेकिन मुझे वेटेज दे के फिर इंडेक्स निकालना। अब कैसे वेटेज दूं, किसको वेटेज दूं, वही सवाल उठता है। तो यहां पर हम लोग सर वेटेज मानेंगे किसको, हम लोग वेटेज मानेंगे कि किसकी कितनी क्वांटिटी यूज होती है। अब उसमें भी दो डाउट आ गए कि भाई क्वांटिटी भी तो दो दो दी हुई है ना, क्या मैं बेस ईयर वाली क्वांटिटी यूज करूं या फिर करंट वाली क्वांटिटी यूज करूं। सुनना दो बातें, पहली बात कर क्या रहे हो तुम? सर मैं ये कर रहा हूं कि मुझे इंडेक्स नंबर जो निकालना है वो यूजिंग वेटेज निकालना है। अब मैं दोनों कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, तो मैंने बोला
कि ठीक है वेटेज ले लेते हैं, जो क्वांटिटी दी इसी को वेटेज मान लेते हैं, दिस क्वांटिटी कैन बी ट्रीटेड एज वेटेज, की भाई जिस चीज की ज्यादा क्वांटिटी तुम्हारे यहाँ यूज होती है उसको ज्यादा वेटेज दे दो। लेकिन उसमें भी सवाल उठता है सर कि अगर तुम वेटेज ले रहे हो तो किसको वेटेज मानोगे, करेंट ईयर की क्वांटिटी को या बेस ईयर की क्वांटिटी को? तो सर उसी को लेकर डिफरेंट मेथड्स बनी है। तो अगर आप बेस ईयर की क्वांटिटी को वेटेज मानते हो तो उस मेथड को कहा जाता है लाशपरेज मेथड, लाशपरेज इंडेक्स। और अगर आप करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस मानते हो तो उसे कहा जाता है पाशेस। अब इससे मैं फॉर्मूले बना के दिखाता हूं तुमको। तो फॉर्मूले देखो, सिग्मा पी एन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, और ये है सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू एन इंटू 100। तो यहां तुमने क्या किया, करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और बेस ईयर की प्राइस को भी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ, इससे दोनों में तुमने बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मान के एक्चुअल में सिर्फ प्राइस का डिफरेंस चेक कर लिया। अगर मैं क्वांटिटी भी चेंज कर देता तो क्वांटिटी का भी इफेक्ट ले लिया जाता ना, क्योंकि मैंने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी रखी है तो इफेक्ट आएगा सिर्फ प्राइस का। वही अगर मैं यहां पर आता हूं पाशे में, तो यहां पर मैंने दोनों को करंट ईयर क्वांटिटी लिया हुआ है तो यहां पर भी सिर्फ प्राइस का इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी तो तुमने कॉन्स्टेंटली हुई है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। कौन बताएगा मुझे सिग्मा पी एन क्यू जीरो का मतलब? सर सिग्मा पी एन क्यू जीरो का मतलब है, देखो यह है पी जीरो क्यू जीरो और यह है पी एन क्यू एन। जीरो का मतलब बेस ईयर और एन का मतलब करंट ईयर। तो पी जीरो मतलब बेस ईयर की प्राइसेस, क्यू जीरो मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी, पी एन मतलब करंट ईयर की प्राइसेस, क्यू एन मतलब करंट ईयर की क्वांटिटीज। सही है ब्रो। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालनी है। तो पी एन क्यू जीरो का मतलब, पी एन क्यू जीरो का मतलब 2022 की प्राइस को 2016 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो। तो ये निकल जाएगा पी एन क्यू जीरो मेरा 25 इंटू 60 प्लस 28 इंटू 50। बताओ कितना आएगा भाई, 25 इंटू 60 प्लस 28 इंटू 50 प्लस मेमोरी रिकॉल 2900। और उसको डिवाइड कर दूंगा पी जीरो क्यू जीरो से। अब पी जीरो क्यू जीरो का मतलब प्राइस भी बेस ईयर का और क्वांटिटी भी बेस ईयर की। तो 20 इंटू 60 30 इंटू 50, तो 20 इंटू 60 एम प्लस 30 इंटू 50 एम प्लस, तो ये हो गया 2900 डिवाइडेड बाय 2700। तो बताइए महंगाई डायन कितनी बढ़ गई है? तो महंगाई डायन बढ़ गई है 107.4, इंडेक्स नंबर आ गया 107.407। मैं फिर से समझाऊंगा, अभी तो एक बड़ा एग्जांपल भी करवाऊंगा, बताएंगे बाउली वाला भी बताएंगे, अकाउंटिंग भाई बाउली वाला भी बताएंगे, बट पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान दो। व्हाट डू यू मीन बाय पी एन क्यू जीरो? पी एन क्यू जीरो मतलब आपको करंट ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक टोटल निकालना है और फिर बेस ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। इससे क्या हुआ, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्वांटिटी सेम है, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट आया 107.407। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप मुझे पाशे वाला करके दिखाएंगे? पाशे वाला, तो पाशे के लिए आपको चाहिए क्या? सर पाशे के लिए हमको चाहिए पी एन क्यू एन। पी एन क्यू एन मतलब 25 इंटू 55 प्लस 28 इंटू 50 डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू एन। पी जीरो क्यू एन मतलब पी जीरो और क्यू एन, 20 इंटू 55 30 इंटू 50 25 इंटू 55 एम प्लस 28 इंटू 50 एम प्लस, तो न्यूमिरेटर में आ गया 2775 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2600। अब ये हो गया आपका कौन सा मेथड, ये हो गया पाशे।
बस ये दोनों में अंतर है, लाशपरे और पाशे। अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे सर, जिसमें लाशपरे और पाशे दोनों को समझेंगे। चलिए ये एग्जाम्पल आप लोगों को मेरे साथ करना है। अब मेरे पास तीन तीन कमोडिटी हैं, ए बी सी, तीनों की बेस ईयर की प्राइस दी हुई है, तो मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं पी जीरो। तीनों की बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है, इसको बोल देता हूं क्यू जीरो। तीनों का करंट ईयर का प्राइस दिया है, इसको बोल देता हूं पी एन, और करंट ईयर का प्राइस दिया क्यू एन, करंट ईयर का क्वांटिटी। तो ये देखो पी जीरो, क्यू जीरो, पी एन, क्यू एन। अब मान लीजिए हमको निकालना है लाशपरे मेथड से, तो लाशपरे मेथड ने क्या बोला, सिग्मा पी एन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू जीरो, सिग्मा पी एन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेड। चलिए भाई पी एन क्यू जीरो कौन मुझे निकाल के बताएगा, पी एन क्यू जीरो सर, पी एन क्यू जीरो मतलब नई वाली प्राइस को पुरानी वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते चलना है, 10 फाइव जा 50, 23 जा 60, 44 टू जा 88, और उस पूरे का समेशन, सिग्मा मतलब समेशन 198। डिनोमिनेटर में पी जीरो क्यू जीरो, लो भाई मतलब दोनों बेस वाली चीजें, 410 जा 40, 60, 100, 200। तो 200 वाली चीज 198 हो गई है, मतलब बताइए इंडेक्स नंबर क्या आएगा, एग्जैक्टली 99 मेरे हिसाब से। यस ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका लाशपरे। अब चलते हैं अपन लोग पाशे की बात करते हैं। पाशे, ओए पाशे, ओए पाशे, लो भाई पाशे ने फॉर्मूला दिया कि हम किसको क्वांटिटी वेटेज मानते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को। चलिए निकाला जाए पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन मतलब प्राइस एन क्वांटिटी एन। तो 59 जा 45, 80 एंड 110, 235। और वही अगर मैं बोलूं व्हाट इज पी जीरो क्यू एन, तो पी जीरो क्यू एन हो जाएगा 49 जा 36, 24 जा 80 एंड 50 इंटू 2.5 विच इज 125। अब बताइए इंडेक्स कितना आएगा, तो यही हमारी दो कोर मेथड्स हैं, यही दो हमारी कोर मेथड्स हैं। कौन सी दो हमारी कोर मेथड्स हैं सर, लाशपरे और पाशे। और दोनों मेथड्स में क्या अंतर बताया है, वही अंतर बताया सर कि लाशपरे यूज करते समय क्यू जीरो को वेटेज मानो और पाशे यूज करते समय क्यू एन को। अब सर गलत तो ये भी नहीं है, गलत तो ये भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अरे हम लोग सवाल में जो दिया होगा उस हिसाब से कर लेंगे, टेंशन क्यों लेने का, जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम वो मेथड लगा देंगे। अच्छा अब ये हो गया लाशपरे और पाशे। अब मार्शल आया, मार्शल ना इन दोनों की लड़ाई को दूर कर रहा है, लाशपरे और पाशे एक दूसरे पे जीना चपड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई करे जा रहे हैं एक दूसरे से, बोल रहे हैं मैं बेस्ट हूं, पाशे बोलता है मैं बेस्ट हूं, लाशपरे बोलता है मैं बेस्ट हूं। मार्शल बोला एक काम करते हैं, देखो तुम दोनों ही बेस्ट हो, मेरे को पता है, मैं एक बढ़िया मेथड बताता हूं, तुम एक काम करो ना, ना तो क्यू जीरो को बेस मानो, ना तो क्यू करंट वाले को बेस मानो, ना तो करंट की क्वांटिटी को बेस मानो, ना तो बेस की क्वांटिटी को बेस मानो, तुम दोनों के समेशन को बेसिस मान लो, दोनों के समेशन को। तो उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो तुम ये निकालो, चलो यू फाइंड आउट दिस थिंग। उसने क्या फॉर्मूला बनाया पता, उसने फॉर्मूला बनाया मार्शल एजवर्थ ने, सिग्मा पी एन क्यू जीरो प्लस क्यू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो मतलब दोनों की क्वांटिटी के टोटल को वेटेज मानो। तो नहीं नहीं गलत हर्ष बेटा, जो तुम लिख रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वो दूसरी मेथड है जो तुम बोल रहे हो हर्ष, चलो अब इसको यूज करते हैं।
तो दोनों की क्वांटिटी को जोड़ा 10,09,19 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया करंट ईयर की प्राइस 95। फिर से 3 और 4 7 एक मिनट, हाँ 3 और 4 7 और करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 20 = 140। उसके बाद अगेन Q0 + Qn और करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2 + 2.5 × 44 = 198। मनीष भाई फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला क्या लिखा है, ये दोनों क्वांटिटी को जोड़ के करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 + 9 को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 4 को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ टोटल कितना आ रहा है, 433। अब P0 के साथ करो वही चीज, क्वांटिटीज को जोड़ो 19 और करंट ईयर की प्राइस नहीं बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो P0 से, फिर 3 + 4 = 7 × 20 = 140। उसके बाद 2.5 + 2 × 50 = 225, तीनों को जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 98.18। तो तीनों के आंसर आसपास हैं, एक 97, एक 98, एक 99 है, लेकिन तीनों मेथड्स अलग हैं क्योंकि तीनों मेथड्स में आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्वांटिटी का वेटेज माना है। ये हो गए तीन मेन मेथड वाले फॉर्मूले। अब आता है एक और स्मार्ट बंदा जिसका नाम है फिशर, बोला अरे मार्शल यार तूने तो काम बढ़ा दिया यार, तेरे को नहीं करते, मार्शल तूने बहुत काम बढ़ा दिया। फिशर आया, फिशर कहता सुनो लाजपर इधर आओ, पाशे इधर आओ, तुम दोनों बढ़िया हो बेटा, तुम दोनों बढ़िया हो, मैं काम करता हूं, तुम दोनों ने जो वैल्यूज निकाली है ना उसी का उपयोग कर लेता हूं। तो फिशर ने ये बोला कि जो लाश परे और पाशे का आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दूंगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकाल देना। तो फिशर ने बड़ा दिमाग का खेल किया, उसने बोला मैं लाश परे और पाशे दोनों के आंसर का ज्योमेट्रिक मीन कर दूंगा। अरे कमील भाई रुक जा रे, बावली 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 के पीछे बावला हो गया तू पूरा, रुक तो जा, पहले जो बुक में वो तो बता देने दे, ठीक है उसका रूट कर दो। चलो तो 99 × 97.51 का स्क्वायर रूट 98.25। अब ये जो 98.25 आया ये फिशर का आंसर है। अब देखो फिशर ने कितना स्मार्ट वर्क किया, क्या फिशर ने तुमसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाई, नहीं फिशर ने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाई और पूरी वाहवाही लेके चला गया, मेहनत करी लाशपरे और पाशे ने और वाहवाही फिशर लेकर चला गया दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के, ठीक है बढ़िया है। अब भाई जो हमारे साबूगर जी पीछे पड़े हुए थे बावली के पीछे, अब उनके बावली को इंट्रोड्यूस किया जाए। सो एक मेथड जो बुक में नहीं दिए लेकिन कभी कभी सवाल पूछ लेता है, उस मेथड का नाम है बावलीज मेथड। तो बावलीज मेथड में क्या करते हैं, बावलीज मेथड में लाशपरे और पाशे के इंडेक्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, जैसे यहां मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया ना, वहां प्लस करके डिवाइड कर दो। तो लोग इसी का आंसर अगर बावले वाला निकालना होगा, बावले वाला, तो इसका बावले वाला आंसर आ जाएगा L + P / 2, मतलब 99 + 97.51 / 2 98.255। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, चल 4th में 100 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे ऑलरेडी 100 मल्टीप्लाई होके आए हुए थे ना, दोनों परसेंटेज में ही थे इसलिए नहीं किया, ठीक है निधि, जो ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में है ना तो उनको फिर से परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा गॉट इट, चलो दैट्स ग्रेट, नॉट एन इश्यू। तो ये कहां की कहानी होगी हमारी,
पांचों मेथड की। तो पांचों मेथड रिपीट करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लाश परे, लाश परे मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी को वेटेज ले लो, पाशे करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज ले लो, मार्शल एजवर्थ दोनों क्वांटिटीज के समेशन को, दोनों क्वांटिटीज के समेशन को वेटेज ले लो, और फिशर मतलब लाश परे और पाशे ने जो आंसर निकाले ना उसका रूट कर लो। 100 की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी परसेंटेज में। हाँ माही पेपर में आ भी चुका है, पहले भी आ चुका है माही बावली, इसलिए तो बता दिया मैंने। चलो अब तुम्हारे सामने ये रहा क्वेश्चन, तुमको सॉल्व करके आंसर देना है। सारे बच्चे शुरू हो जाओ। चलो हाँ ये लो ना क्वेश्चन, आगे आ लिया, देखो क्या लिखा है। तीन कमोडिटी के प्राइजेस और क्वांटिटीज तुमको दिए हुए हैं और तुमसे पूछ रहा है बताओ लाश परे प्राइस इंडेक्स क्या आएगा। लाश परे मैं याद दिला देता हूँ, लाश परे का मतलब जिसमें क्यू जीरो को वेटेज मानना है, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी को जिसमें वेटेज मानना है, ठीक है। जिसका ये फॉर्मूला है, करो ट्राई करो भाई, सॉल्व तुमको करना, मैं थोड़ी करवाऊंगा। क्यों भैया जी आंसर आया कि नहीं आया? आ गया, सही है। चलो सिग्मा पी एन क्यू जीरो, पी एन क्यू जीरो। अब तो मैं कैलकुलेटर से करूंगा भाई इसको, कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, कैलकुलेटर से। पी एन क्यू जीरो मतलब, पी एन मतलब ये वाली लाइन है, पी वन या पी एन बोल दो, और इसको बेस मानना है, ठीक है। सो 14 इंटू 10 एम प्लस 8 इंटू 20 एम प्लस 10 इंटू 30 एम प्लस मेमोरी रिकॉल, न्यूमिरेटर में आ रहा है 600। डिनोमिनेटर है पी जीरो क्यू जीरो, मतलब ये और ये। एक बार बस कॉलम डिसाइड कर लो, फिर कैलकुलेटर का यूज करो। 12 इंटू 10 एम प्लस 10 इंटू 20 एम प्लस 8 इंटू 30 एम प्लस मेमोरी रिकॉल 560। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिनिमम 5 मार्क्स का आता है, ज्यादा भी आ सकता है। चलो ठीक है 107.14। सो सभी लोगों को ऑप्शन बी बन गया हो तो एक बार थम्सअप कर दीजिए एवरीवन ऑन द यूट्यूब स्पेशल। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल ट्राई करो। लाश परे इंडेक्स दिया है, फिशर इंडेक्स दिया है, पाशे वाला इंडेक्स तुमसे पूछ रहा है। एक बार फिशर का फॉर्मूला बता देता हूं, अब सॉल्व करो इसको। चलो नीरज आलम, वो चलता है इतना नियर बाय चलता है। इंडेक्स नंबर का वेटेज भी 5 से 6 नंबर का आता है बेटा, थ्योरी प्रैक्टिकल कोई भी दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बन गया, अरे बन गया कि नहीं बना। चलो बहुत सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, अब मैं चेक करता हूं ध्यान से ना।
सर हमको पता है कि फिशर का आंसर आता है लाशपरे इंटू पाशे का स्क्वायर रूट। फिशर तुमको दिया 109, लाशपरे तुमको दिया 110, पाशे तुम्हारा मिसिंग है। अब तुम क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 11881 और ये हो जाएगा 110 इंटू पी, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 108। ऑप्शन डी, समझे क्या किया मैंने? सिंपल मैथ्स है भाई, सिंपल मैथ्स। फिशर इज इक्वल्स टू लाशपरे इनटू पाशे का स्क्वायर रूट। चलेगा भरत, फिशर की जगह 109, लाशपरे और पाशे में से लाशपरे दिया था, पाशे गायब था, पाशे का पी रहने दिया, लाशपरे ये रहा। क्योंकि इस तरफ रूट है और इस तरफ रूट नहीं है, तो मैंने बोला दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो 109 का स्क्वायर कर दिया जो कि आ रहा 11881। इसमें स्क्वायर किया तो रूट गायब हो गया, फिर पी की वैल्यू निकाल दी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, खत्म। तो आंसर आ रहा डी, तो डी तो आ रहा है मेरा। एनी प्रॉब्लम गाइस, टेल मी इफ ऑप्शन डी इज क्लियर टू यू। अमर बेटा ये सवाल बेकार है, पढ़ाई में ध्यान दो, तो 85 के 90 प्लस भी आते हैं और ये परसेंट टू परसेंट चेंज होता है, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको आएंगे, सीधी बात है भाई। चलो है 108 को 109 कौन एज्यूम करता है भाई। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगेन लाश पर है, पी जीरो क्यू जीरो दिया हुआ 240, पी वन क्यू वन 480, पी वन क्यू जीरो 600, पी जीरो क्यू वन 192, तो बताइए लाश परेज इंडेक्स नंबर कितना आवेगा। अनअकैडमी प्लस में मिलेंगे नोट्स माही, अनअकैडमी प्लस में। चलो गुड, ये तो भाई प्लेन वेनिला सवाल था, बताओ भला लाजपरे का फॉर्मूला है सिग्मा पी एन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसमें तो कुछ कंप्यूट ही नहीं करना, तुमको सारा डेटा रेडीमेड दे दिया है, तो पी एन क्यू जीरो 600 और पी जीरो क्यू जीरो है तुम्हारा 240। टू फिफ्टी इज द आंसर, ऑप्शन है। भगवान जाने कहां से डी ला रहे हैं, कहां से सी ला रहे हैं, बताओ भला। अरे लाशपरे, लाशपरे मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी को वेटेज मानना है। तो देखो न्यूमिरेटर में हमेशा नई प्राइस रहेगी, डिनोमिनेटर में हमेशा पुरानी प्राइस रहेगी, जो चेंज होगा वो सिर्फ ये है, सिर्फ ये चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक दोस्त, चलो नेक्स्ट, चलो करो एक और सवाल आपके सामने ये रहा। लाशपरेज इंडेक्स इज 250, पाशेज इंडेक्स इज 160, फिशर्स इंडेक्स निकालिए। चलिए मनीष, जब मैं ये चैप्टर प्लस में करवाऊंगा ना, तब इसके नोट शेयर करूंगा। कोई बात नहीं कमी भाई, कोई बात नहीं, तुम यूट्यूब से भी कर सकते हो तैयारी। लाशपरे दिया है 250,
पाशे गिवन एज 160, फिशर इज लाश पर इनटू पाशे का रूट। यस कोमल, आई कैन सी। अब कोई गलत मत करना भाई, अब बिल्कुल रिपीटेटिव सवाल है, कोई गलत मत करना ये वाला। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी चीजों को अलग तरीके से दे देता है। मैं बताता हूं तुमको कैसे। जैसे लाश परे है, फॉर्मूला है पी एन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इन 200। मैं बताऊंगा एक बढ़िया बात बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा। तो 1900 डिवाइडेड बाय 1360 इन 200। अब किसी चीज में अगर तुम इन 200 करके उसको निकाल रहे हो ना, तुम भले लिख नहीं रहे हो पर तुमको पता है ये जो तुम्हारा डेटा है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एक्चुअली, क्योंकि इन 200 करके निकाले हो तुमने। तो कभी कभी परसेंटेज वाली चीज जो है ना डायरेक्टली डेसिमल में भी लिखी जा सकती है। मतलब कभी अगर तुम्हारे पास किसी ऑप्शन में इन 200 किए बिना आंसर दे रहा हो ना, तो नन ऑफ दीज में जाने की जरूरत नहीं है, विदाउट इन टू वाला भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जानबूझ के करते हैं भाई। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई इवन इफ इट इज अ इंडेक्स नंबर, दे आर नॉट टेकिंग एट द बेस ऑफ 100, दे आर डायरेक्टली शोइंग द डेसिमल वैल्यू। तो इसका ये मतलब नहीं कि नन ऑफ दीज आंसर करना, ऑप्शन बी ही टिक करना है। और ये पेपर में आ चुका है सवाल सेम टू सेम। अब कई बच्चे तो कंफ्यूज ही हो गए होंगे कि अरे यार मेरा आंसर तो 100 से ऊपर आना चाहिए, नन ऑफ दीज लगा देता हूं। तो थोड़ी भावनाओं को समझना पड़ेगा, कभी 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 भावनाओं को समझना पड़ता है। ठीक है, चलो गुड। तो अब मैं एक बार समरी बताता हूं तुमको, चलो टेस्ट लेता हूं, तुम बताना मुझे। ठीक है, लाश परेज मेथड, सिग्मा पी एन ब्लैंक सिग्मा पी जीरो ब्लैंक इन टू, जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है वहां पर क्या आएगा, चलिए बताइए। करेंट ईयर की क्वांटिटी आएगी या बेस ईयर की क्वांटिटी आएगी? सर यहां आएगा क्यू जीरो, दैट इज बेस ईयर की क्वांटिटी। यही लाश परे का विशेषता है भाई। अगर पाशे की बात करें तो फॉर्मूला अभी भी वही है कि न्यूमिरेटर में करंट प्राइस लो, डिनोमिनेटर में बेस प्राइस लो, लेकिन क्वांटिटी जिसे तुम वेटेज मान रहे हो ना, अब वो क्यू एन करंट वाला लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग फिर से याद करते पूरी स्टोरी, हमने कहां से क्या क्या पढ़ना चालू किया था। तो सर हमने ये पढ़ना चालू किया था कि आपके पास जो मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले आई थी सिंपल एग्रीगेट मेथड, जिसकी बहुत बुराइयां थी। एक तो वो क्वांटिटी जो भी लिखी हुई थी उसके हिसाब से वेटेज दे देता था अपने मन से, बिना वेटेज इंटेंशनली लिए उसने छुपा हुआ वेट्स डाल दिया था। प्राइस के कोटेशंस चेंज होते थे तो उसके हिसाब से इंडेक्स बदल जाता था, ये भी बड़ी अजीब बात थी। इस वजह से हमने सबसे पहली मेथड को मना किया था कि भाई तुम बेकार मेथड हो। राइट सर, बिल्कुल बोला था हमने कि आप अच्छी मेथड नहीं है, इनको हमने नकार दिया था इनको। फिर हम आए दूसरी मेथड में जिसका नाम है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव में हमने क्या किया, जो यूनिट वाली प्रॉब्लम थी ना उसको तो सॉर्ट आउट कर दिया। कैसे? क्योंकि
आपका जो ये बोलते हैं प्राइजेस है उसको डायरेक्टली लिखने के बजाय आपने रिलेटिव का फॉर्म करके लिखा था, प्राइस रिलेटिव मेथड। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, उसमें भले यूनिट सब सही हो गई थी लेकिन उसमें सबको बराबर वेट दिया जा रहा था, हम वेटेज नहीं डाल पा रहे थे। और फिर आया था वेटेज का काम। अब वेटेज में भी पहली कैटेगरी तुमने कर ली है जिसमें हमने चार भी नहीं एक्चुअली पांच मेथड पढ़ी है, बावली भी पढ़ा है। अब एक और मेथड आती, दैट इज वेटेड रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जिसमें प्राइजेस की जगह प्राइस रिलेटिव भी यूज कर रहे हो और वेटेज भी यूज कर रहे हो, दोनों चीजें, वाओ गुड। तो समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये मेथड क्या बोलती है, ये मेथड बोलती है डायरेक्ट प्राइस यूज नहीं करेंगे हम लोग, प्राइस रिलेटिव यूज करेंगे, प्राइस रिलेटिव। तो हमारे प्राइस रिलेटिव में फिर पी जीरो क्यू जीरो और पी जीरो क्यू जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है ना, इसमें मजे ये हो रहे हैं कि सर घूम फिर के ना ये पी जीरो कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास बचता है ना, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला तुमने देखा हुआ है, कभी देखा हुआ लग रहा है ये फॉर्मूला, भाई कहीं तो देखा है इस फॉर्मूले को, बताओ। अरे ये तो लाजपरे मेथड है, यस। तो तुम कुछ स्पेशल करने गए जरूर थे लेकिन वास्तविकता ये है कि घूम फिर के ये मेथड भी है ना, भले नाम नया देने गए थे पर वो एक्चुअली ये वाली मेथड लाजपरे ही बन के निकली अल्टीमेटली उसके लॉजिक के हिसाब से, ठीक है, लाजपरे। तो क्या इसको अलग से पढ़ने का कोई सेंस है? नो सर, ऑलरेडी आप लाजपरे पढ़ चुके हो, ठीक है। हाँ अकाउंटिंग ऐसा बोल सकते हैं, पी वन मतलब देखो यार, जीरो मतलब बेस, फिर वन लिखा हो चाहे एन लिखा हो मतलब करंट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अकाउंटिंग। चलिए ये हो गया हमारी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, फाइन। अब इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास एक और चीज आती है जो कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस पे बहुत ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। एक काम करता हूँ, वाली चीज मैं कल कंटिन्यू करूंगा, आज थोड़ा जो है गले की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आई शुड एंड इट हियर, तो कल मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये चार दिन में खत्म हो जाएगा बेटा, दो लेक्चर हो गए ना, दो और लेक्चर लगेंगे बस, दो भी नहीं मान के चलो, एक लेक्चर और लगेगा प्रॉपर वाला, फिर एक क्विज लगेगी, हो जाएगा, टेंशन नहीं, छोटा चैप्टर, ये बोनस वाले पांच नंबर है। थैंक यू मासूमा, थैंक यू सो मच। सो भाई बहुत दिक्कत हो रही है, तो आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा मुझे और करवाना था लेकिन नहीं करवा पाया, तो फिर कल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, सो या जाते जाते मैं आपको फिर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? पहली बार दो दो डिस्काउंट क्लब होके मिल रहे हैं, मतलब दो दो ऑफर्स, पहला 20% डिस्काउंट, दूसरा एक्सटेंडेड वैलिडिटी, दोनों साथ में मिल रहा है टुगेदर। तो बस कोड कौन सा यूज करोगे? सी ए प्रणव, सी आपका ही, प्रणव मेरा नेम, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ 29th ऑफ जुलाई तक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप वेबसाइट पे चलोगे ना तो हाउ विल इट लुक लाइक, unacademy.com, सी ए में गए, फाउंडेशन में गए, प्लस आइकॉनिक दो ऑप्शन है, प्लस में गए, ये देखो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, 6 months फ्री एक्सटेंशन, ये 12 महीने में 3 है और 18 महीने में 6 है, साथ में 20% डिस्काउंट भी, वो भी दोनों चीजें साथ में, यस। हाँ जी जयेश, जरूरी है ना। तो ये मेरा कोड है सी ए प्रणव, इसको आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो तब तक के लिए बस इतना ही, एंड अब मिलेंगे कल वापस से सेम टाइम, शाम 5 बजे सेट रिलेशन फंक्शन की क्विज होनी है,
तो उस क्विज में जरूर आइएगा आप लोग, और फिर कल रात वापस से 8 बजे क्या करेंगे, यही इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलो सी यू, बाय बाय।